दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने टीवी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरहिट सीरियल दिए हैं, जिसमें इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग, अदायगी और अपने किरदार को काफ़ी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। तभी तो अभिनेत्री शिवांगी जोशी आज दर्शकों की फेवरेट अभिनेत्री बनने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा आलिशान घर की मालकिन भी बन चुकी हैं। जी हाँ, लेकिन इकलौती शिवांगी जोशी ही वो अदाकारा नहीं है जो कि आज काफ़ी ज़्यादा आलीशान घर में रहती है, बल्कि ऐसी कई और अभिनेत्रियां हैं जो अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर आज एक लग्जीरियस हाउस में रहती हैं। जी हाँ, और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों के लग्जीरियस हाउस से ही रूबरू करवाएंगे। तो आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर वन, रूपाली गांगुली। इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं अभिनेत्री रूपाली गांगुली की, जो कि इन दिनों अनुपमा सीरियल में अनुपमा के किरदार को निभाकर घर घर में मशहूर हो रही है। बात करें रूपाली गांगुली के लग्जीरियस हाउस के बारे में, तो इन्होंने मुंबई के लोखंडवाला में एक लग्जीरियस हाउस खरीदा है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है, और इन्होंने अपने इस लग्जीरियस हाउस को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करवाया है। जी हाँ, इन्होंने अपने इस घर में बड़े बड़े वॉलपेपर, पोस्टर और यूनिक चीज़ों से अपने इस घर को सजाया हुआ है। तभी तो इनका लग्जीरियस हाउस देखने में काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस दिखाई देता है। नंबर दो, दृष्टि धामी। अब बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा दृष्टि धामी के बारे में। तो बता दें, इन्होंने मुंबई के कल्याण में काफ़ी लग्जीरियस हाउस खरीदा है जिसकी कीमत आज 4 करोड़ रुपए बताई जाती है, और इन्होंने अपने इस लग्जीरियस हाउस की लाइटनिंग, फ्लोरिंग और घर की हर एक साज सजावट पर काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया गया है, जिन्होंने अपने हर एक रूम में सेम कलर के पर्दे लगाए हुए हैं। साथ ही इन्होंने अपने हर एक रूम को काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है, तभी तो इनका घर लग्जीरियस हाउस दिखाई देता है। नंबर थ्री, मुग्धा चापेकर। अब बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री की बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारा मुग्धा चापेकर के बारे में, जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कई सारे सुपरहिट सीरियल दिए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने लिए एक लग्जीरियस हाउस खरीदा है, और इन्होंने अपने घर की साज सजावट में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी है। इन्होंने अपने घर में कई बड़े बड़े झूमर, वॉलपेपर और तांबे की मूर्तियों से अपने घर को सजाया हुआ है। साथ ही इनके हॉल में एक बड़ा सा सोफा है और उसके बीच में एक बड़ा सा कांच का सुंदर झूमर लगा हुआ है, जो कि इनके लग्जीरियस हाउस को और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाने का काम करता है। नंबर फोर, प्रणाली राठौर। अब बात करते हैं अभिनेत्री प्रणाली राठौर के बारे में, जो कि इन दिनों ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अक्षरा के किरदार को निभाकर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रही है। और आपको बता दें कि प्रणाली राठौर ने मुंबई के लोखंडवाला में 3 करोड़ का लग्जीरियस हाउस खरीदा है, और इन्होंने अपने लग्जीरियस हाउस को तांबे की बड़ी बड़ी मूर्तियों, वॉलपेपर, वॉल हैंगिंग से सजाया हुआ है। साथ ही आपको बता दें, इन्होंने अपने घर की बालकनी में रंग बिरंगे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जो कि इनके घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तभी तो इनका घर दिखने में इतना ज़्यादा लग्जीरियस दिखाई देता है। नंबर फाइव, शिवांगी जोशी। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में बात करते हैं अभिनेत्री शिवांगी जोशी के बारे में, जो कि इन दिनों बालिका वधू 2 सीरियल में आनंदी के किरदार को निभाती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि इन्होंने मुंबई के बांद्रा में काफ़ी महंगा और लग्जीरियस हाउस खरीदा है जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जाती है, और इन्होंने अपने इस घर को परफेक्ट बनाने के लिए काफ़ी महंगी महंगी और यूनिक चीज़ों से सजाया हुआ है। जी हाँ, इन्होंने अपने घर में बड़े बड़े पोस्टर, वॉल हैंगिंग और काफ़ी यूनिक डिज़ाइनर चीज़ों से अपने घर को सजाया हुआ है। तो दोस्तों, आप इन अभिनेत्रियों के लग्जीरियस हाउस के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।